बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा जमी नाजर। पेश अब तक की हेडलाइन। गवर्नर हाउस सिंध में गाड़ी में कुत्ता घुमाने की वीडियो सामने आने पर सीनियर सहाफी टॉप क्लास का भी चुप न रह सके और तंज के निशाने चला दिए। याद रहे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गाड़ी में कुत्ते की सेवकियात की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई तो सोशल मीडिया सार्फी ने खुद तनकीद की, जिसके बाद इमरान इस्माइल ने इस सिलसिले में वजाहत भी जारी कर दी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फवाद आलम की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की टीम की पोजीशन मजबूत हो गई है, जबकि टॉप बैटिंग ऑर्डर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहा। फवाद आलम की शानदार इनिंग पर इंजमामुल हक की तारीफ करते हुए मैदान में आ गए और पैगाम जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर केस की समाअत के दौरान रिमांड देते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे और इलेक्शन न करवाकर अदालती हुकूमत के खिलाफ वर्जी की जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सबसे ज्यादा और कम करप्शन वाले ममालिक की आलमी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मजीद 4 दर्जे तरजीह हो गई, यानी मुल्क में करप्शन में गुज़श्ता साल की नस्बत इजाफा देखने में आया है। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को हथियारों की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक अमेरिकी के डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करने का फैसला किया गया था, जिसे नए सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने आर्थिक तौर पर रोक दिया है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। टंडोरही में रिहायशियों की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने पर एहतजाज किया गया और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। तफसीलात के मुताबिक टंडोरही यार खेस साथ सावड़ों में कई सालों से पीने का पानी नायाब बन गया है और लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इस हवाले से शाह मोहम्मद जमाली समेत दीगर गाँव में पानी की शदीद किल्लत के हवाले से वहाँ के रिहायशियों फहाद आसिफ और गुलशेर ने एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंजीनियर नजीर शेख और सब इंजीनियर गुलाम हुसैन पमर ने करप्शन की इंतहा कर दी है। वाटर सप्लाई स्कीमों की मरम्मत की मिलने वाली रकम मिली भगत से हड़प कर ली जाती है। वाटर सप्लाई स्कीमें बंद होने से सैकड़ों लोग पीने के पानी की वजह से शदीद परेशान हैं। मुजाहिदीन ने सिंध हुकूमत और बाकी उम्मत से मुतालबा किया है कि वो उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करें। खुजदार में दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम, 10 हैंड ग्रेनेड बरामद। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम कार्रवाई कर दी और दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने आज कौमी शाहरा पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के एक बहुत बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। क्वेटा से खुजदार जाने वाली मुसाफिर वैन गाड़ी से 10 हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए, जो कि गाड़ी के टायर में छुपाए गए थे। दस्ती बम दहशतगर्दी की गर्ज से लाए गए थे, जो कि तखरीबकारी में इस्तेमाल किए जाने थे। ताहम CTD ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए किसी भी तरह की दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बना दिया। इस मौके पर दो मुलजिमान को भी हिरासत में लिया गया और दहशतगर्दी के इस मंसूबे को नाकाम बनाया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाए गए टैक्स के खिलाफ किसान और अंजुमन आढ़तियां सब्जी मंडी सरापा एहतजाज और पंजाब हुकूमत को टैक्स वापस न लेने की सूरत में सब्जी मंडी को बंद करने की भी वार्निंग जारी कर दी गई। ओसी रत्तो डेरो में पसंद की शादी जुर्म बन गई। 3 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े शुएब और वहीदा को धोखे से वापस बुलाकर बुरसा ने स्याहकारी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान के निशानदही पर उन दोनों को दफन कर दिया गया और जिस जगह दफन किया वहां पुलिस पहुंच गई। वी और रत्तो डेरो ग्रैंड स्टेशन के रिहायशी शुएब जलबानी और उसकी चचा की बेटी वहीदा जलबानी ने 3 माह कबल घर वालों की मुखालफत के बावजूद पसंद की शादी की थी। 1.5 माह कबल जोड़े को इस यकीन दहानी पर कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा इस वादे पर वापस बुलाया गया, लेकिन उन्हें धोखा देकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने सरकारी नोयत पर FIR दर्ज करने के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदही पर रत्तोडेरो पुलिस खानोट के हुदूद नजर आबाद जहां जोड़े को दफन किया। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुँच कर लाश निकाल दी और कार्रवाई शुरू कर दी। ये थी तफसीली खबरें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।